कौन सा हेयर कट करना है बेटा? हाय बोलो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को, हाय बोलो। अच्छा आप बताओ अभी कौन सा हेयर कट करना है आपको? स्ट्रेट। स्ट्रेट कितनी लेवल कट करनी है आपको? शोल्डर ब्लंट में करना है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हो या इससे पहले भी आए हो? सेकेंड टाइम। ठीक है चलो अभी हम आपका लाइव वीडियो करने वाले हैं। अभी देखते हैं कितने व्यूवर्स को आपका हेयर कट पसंद आता है और हमारी ये जो स्टाफ है अनु वो आपका हेयर कट करेगी। मैं भी हूँ रहूँगी यहाँ पे, देखते हैं व्यूवर्स को पसंद आता है क्या। चलो अनु मैम स्टार्ट करो। अनु मैम हेयर कट एकदम अच्छे से होना चाहिए लेंथ तो मैम की अच्छी है, काफ़ी प्यारी है। क्यों बेटा क्यों काट रहे हो इतने अच्छे बाल, क्या रीज़न है? थोड़ा डिफरेंट स्टाइल चाहिए। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल चाहिए तो फिर उससे भी शॉर्ट कर देते, क्या करें उससे शॉर्ट करें? इतने रखो मैम। ठीक है क्योंकि उनको शोल्डर से 1-2 इंच बड़ा चाहिए तो हम स्टार्टिंग में गाइडलाइन उतनी बना के लेंगे। सीधा देखो बेटा सामने।
थोड़ा नीचे टर्न करो बेटा, नेक थोड़ा नीचे टर्न करो, नेक नीचे टर्न। हाँ उतना बस। ठीक है मैम उतना। इनके बालों का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और बाल भी काफ़ी स्ट्रेट और सिल्की है, ग्रोथ भी तो है, इसमें अच्छा अच्छा दिखेगा आप। ये जो शोल्डर ब्लंट जो चाहिए उनको अच्छा दिखाई देगा वो। अगर बेटा इससे थोड़ा सा शॉर्ट भी करते थे ना आप तो भी आपके फेस को अच्छा दिखता था, क्यों नहीं किया? इससे शॉर्ट करना है? कर दूँ थोड़ा सा। कितना करना है? हाँ बेटा देखते हैं, दिखाओ इनको पहले इतना लेवल ठीक है क्या, इतना हो जाएगा? अगर अगर उनको लगता है कि और भी मुझे थोड़ा सा शॉर्ट चल जाएगा तो फिर हम कर देंगे। क्या लगता है बेटा अभी काटना है और क्या इतना बस? थोड़ा सा और कट करना है। ठीक है थोड़ा और कट करना, इतना कट करना। मैम आप बताओ कितने कट करने हैं? इतना कट। अच्छा आप आ जाओ यहाँ पे और एग्जैक्ट कितनी लेंथ कम करनी है वो प्लीज बता देना, तो फिर आसानी रहेगी हेयर कट करने में। आपके चॉइस से ही कटेगा हेयर कट पूरा, तो आप एग्जैक्ट लेंथ कितनी कम करनी है ना तो प्लीज बता देना वो कर दो। थोड़ा सा नीचे ले बेटा। हाँ बस फिनिश में फिर उतना कवर हो जाएगा।
नेक नीचे थोड़ा सा टर्न करो बेटा, बस नेक अच्छे से टर्न करो। लॉन्ग में नहीं, उसको उसी लेवल से रखो तो ठीक रहेगा। उसको उतना ही चाहिए, ब्लंट में ही चाहिए, तो फ्रंट से इक्वल शेप में ही करना, ज़्यादा ऊपर लिफ्ट नहीं करो। लिफ्ट नहीं करो बेटा ऊपर, स्ट्रेट लेवल में ही रखना प्लीज। दोनों भी लेंथ चेक कर लो बेटा, अभी फ्रंट से दोनों भी टर्न करो, दोनों भी लेंथ सिमिलर है क्या वो चेक कर लो और फिनिशिंग दे दो। शॉर्ट हेयर कट में फ्रंट से दोनों भी साइड चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कोई भी हेयर कट करते समय रीचेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी राजवी किंग सर का मैसेज है कि आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो। सर, हम यहाँ पे क्लाइंट के जो व्यूवर्स होते हैं, जो हमारे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो उनके जो ये होती है रिक्वायरमेंट होती है कि मैम ये हेयर कट दिखाओ, ये हेयर कट दिखाओ, शॉर्ट में दिखाओ, स्कूल गोइंग हेयर कट दिखाओ, या फिर कॉलेज गर्ल्स के जो शॉर्ट हेयर है वो दिखाओ। तो हम क्लाइंट को रिक्वेस्ट करके ही हम शूट करते हैं, वैसे शूट नहीं करते। तो हमें जितना पॉसिबल होता है कि आपके पास जो हेयर कट के अच्छे से अच्छे वीडियो लाए और ओरिजिनल, उसमें हम कुछ ये नहीं करते, वो हिसाब से हम करते हैं हेयर कट। अभी सर ने मैसेज किया है कि उनका भी ब्यूटी पार्लर है, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है फिर। लेकिन सर, हमारा ये जो पार्लर है सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है, हम यूनिसेक्स सलून नहीं चलाते। और हमारे जो भी स्टाफ है वो लेडीज़ ही है, अभी तक तो लेडीज़ ही है। अगर पार्लर बड़ा होता है
अच्छा, आपका भी लेडीज ही पार्लर है? ओके सर। अभी जो व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैम शॉर्ट हेयर कट दिखाओ, कॉलेज गोइंग गर्ल या स्कूल गोइंग गर्ल के शॉर्ट हेयर कट दिखाओ, ब्लंट हेयर कट दिखाओ, बॉब हेयर कट दिखाओ, तो जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं और उनकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि हमें शॉर्ट करना है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन लेके हम वीडियो शूट करते हैं और वही आपके सामने लाते हैं। अच्छा जी सर, थैंक यू, आप हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं सर? राजवी सर, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं? ये साइड से भी चेक करो, दोनों साइड से इक्वल है कि नहीं चेक करो, दोनों भी साइड इक्वल होनी चाहिए आगे का गाइडलाइन के हिसाब से। हाँ, दोनों सिमिलर होना चाहिए, आगे की जो गाइडलाइन है वो हिसाब से दोनों भी साइड सिमिलर होना चाहिए। आगे की गाइडलाइन से बैक साइड करते हैं तो हाँ, थोड़ा शॉर्ट होगा ऊपर। अच्छा, बैक साइड हाँ, तो वो चलेगा? सॉरी, आगे का जो गाइडलाइन है? नहीं नहीं नहीं, ये लेवल बराबर है, सेट भी बराबर हुआ है, सिर्फ ये जो दोनों साइड की जो फिनिशिंग है वो चेक कर लो, फ्रंट लेवल भी ठीक है, उससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, इससे ज़्यादा शॉर्ट करना है बेटा? अभी ये जो लेवल है ये देखो, ये साइड से शॉर्ट लग रही है, एक साइड से लॉन्ग लग रही है, तो दोनों भी सिमिलर मैच कर लेना है और फिर उसी को मर्ज कर देना है, बैक साइड में मर्ज कर देना है, बिल्कुल भी इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना। हेलो, कैसे हो? ये हमारी जूनियर क्लाइंट हैं और हमारी फेवरेट क्लाइंट हैं। हाय बोलो। हाय, क्या हुआ, प्लास्टर निकाल लिया? कब निकाला? आज ही निकाला? आज नहीं, कल। कल निकाला? अच्छा, ठीक हो गया। अभी वापस मस्ती? अभी जो हमने ये फ्रंट में गाइडलाइन ली है तो उसी को मर्ज करते करते हम इसमें इसको मैच कर देंगे पूरा, और दोनों साइड इक्वल है क्या नहीं चेक करेंगे। दोनों इक्वल है? सर सर, सीधा रखो। मिडल पार्टिंग रख के आप हेयर कट करते हो तो आपका हेयर कट का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है, तो
तो मैम प्लीज़ दोनों साइड मिडल पार्टिंग करके दोनों साइड प्लीज़ चेक कर लेना। हाँ सर, आगे से ही थोड़ा शॉर्ट ही रखा है और पीछे थोड़ा लॉन्ग रखा है। अगर आगे की जो साइड है वो शॉर्ट है, पीछे से भी ज़्यादा शॉर्ट करते हैं, उसी लेंथ से सपोज शॉर्ट करते हैं, तो मैम का ज़्यादा हेयर कट शॉर्ट हो जाएगा और हमें इतना शॉर्ट हेयर कट नहीं चाहिए। उन्होंने जो पीक दिखाया है हमें, तो वो पीक के हिसाब से ही हम हेयर कट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पिक दिखाया था हमको, तो उसमें फ्रंट का थोड़ा सा लेवल शॉर्ट है और बैक साइड से इतनी लेंथ है। मच किया है। लो ट्राई कर लो। नहीं, एक्चुअली उनको ए लाइन ब्लंट नहीं चाहिए था। उन्होंने जो पिक दिखाया था उसमें थोड़ा सा जो फ्रंट का सेक्शन है वो थोड़ा शॉर्ट है और आगे से इतनी लेवल है, तो उनके चॉइस के हिसाब से ही हम यहाँ पे हेयर कट कर रहे हैं। उनको क्रॉस ब्लंट कट भी नहीं चाहिए था या ए लाइन ब्लंट कट भी नहीं चाहिए था। उनको नॉर्मल शोल्डर लेंथ और थोड़ा सा आगे से हल्का सा शॉर्ट, वो हिसाब से हेयर कट चाहिए था, तो वो हिसाब से ही हम हेयर कट कर रहे हैं। ब्लो ड्राई होने के बाद हम फिर से चेक करेंगे इसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह है या शेप ऊपर नीचे है, तो वो हम वापस से चेक करेंगे, फिनिशिंग वापस से चेक करेंगे। हो गया क्या बेटा? चलो होल्ड करो थोड़ा, मैं चेक कर लेती। एक्चुअली मैंने आज मेरे स्टाफ को हेयर कट करने के लिए दिया है, ये ब्लंट कट नहीं है, फिर तो ये फेदर कट हो गया। नहीं सर, जो हम ये फेदर कट नहीं है, ये ब्लंट ही है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली
ये क्लाइंट की चॉइस थी कि इस शेप में हमें हेयर कट चाहिए था, तो ये फेदर में नहीं आता है। सीधा रखो बेटा, तो उधर भी दिखाई देगा। सीधा रखो बेटा, नीचे टर्न कर बेटा थोड़ा, यहाँ पे आके हमने स्टॉप किया है। हमें दोनों भी साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं वो चेक करनी है, तो वहां पे आके हमने स्टॉप किया है कर, और ये साइड जो है ये हम वापस चेक करेंगे। नीचे टर्न करो बेटा, जो हमने छोड़े थे यहाँ पे बाल कट करके, तो इसको हम आगे ट्रिमिंग करते लेके जाएंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे। नीचे टर्न करो बेटा थोड़ा,
सीधा देखो बेटा, ठीक है, आगे से दिखाओ। थोड़ा सा पीछे लो, दिख रहा है ये, दिख रहा है सब्जी, ये हमने ब्लंट में ही लिया है, इसमें फेदर नहीं दिया है। अगर फेदर होता तो यहाँ से फॉल रहता बुक का, ये हमने यहाँ से लिया है तो ये शोल्डर के ऊपर ही, ये फेदर में नहीं आता है, ये नॉर्मल ब्लंट हेयर कट है, इसमें हमने कोई फेदर का लुक नहीं दिया है, सिंपल फेदर है ये ब्लंट हेयर कट। सेट करो मैडम, अच्छे से सेट करो, चाहिए उनको सिंपल ब्लंट हेयर कट चाहिए, तो वो हिसाब से ही हम उनका सिंपल ब्लंट हेयर कट कर रहे हैं। बेटा आपने कौन सा पिक दिखाया था हमको, मोबाइल में है? हाँ। अच्छा, बाद में दिखाएंगे हम व्यूवर्स को, बाद में दिखाएंगे कि मैम को कौन सा हेयर कट चाहिए था और हमने कौन सा हेयर कट किया है। राजवी सर जी, थैंक यू, आप हमारा चैनल देख रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो। हमारे यहाँ पे एक्चुअली जितने भी हेयर कट होते हैं वो क्लाइंट के चॉइस से ही होते हैं, हम सिर्फ उनकी चॉइस यहाँ पे देखते हैं कि उनको क्या चाहिए, हमारे पास से क्या चाहिए और वो हिसाब से ही हम करते हैं हेयर कट। अगर कोई पिक लेके आता है या हमें एक्सप्लेन करता है कि हमें ऐसे ऐसे टाइप से हेयर कट चाहिए, तो हम यहाँ पे उनके बालों की जो क्वालिटी है वो देखते हैं, उनके बालों का वॉल्यूम देखते हैं, उनके बालों का टेक्सचर देखते हैं कि कैसा है,
या फिर वो कौन से फील्ड में है, वो कॉलेज गोइंग है या जॉब करते हैं, या कौन से प्रोफेशन में है, वो टीचर है या आईटी सेक्टर में है, वो सब बातें ध्यान में रख के हम उनको हेयर कट देते हैं, उनका हेयर कट करते हैं। तो अगर हेयर कट करते समय भी जाहिर किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन हम जितना पॉसिबल होगा उतना क्लाइंट के हिसाब से ही हेयर कट देना पसंद करते हैं कि हमारे क्लाइंट यहाँ से खुश होके जाए, नाराज़ बिल्कुल भी होके जाए। तो अगर हमारे हेयर कट में कुछ गलतियाँ होती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बता देना, तो नेक्स्ट टाइम हम वो गलती हमारी सुधर पाएंगे। और ज़्यादातर अभी व्यूवर्स की ये आई थी रिक्वायरमेंट आई थी कि मैम आप सिर्फ खुद के ही हेयर कट दिखाते हो, स्टाफ को हेयर कट करते समय नहीं दिखाते हो। तो मैं थोड़ा सा यही ट्राई करती हूँ कि कुछ मेरे जो स्टाफ्स है जो यहाँ पे हेयर ड्रेसर का काम करते हैं, तो मैं उनके भी जो हेयर कट है या उनमें कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ होती है तो मैं उसे हैंडल कर देती हूँ, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। लेकिन काफ़ी प्यारे बच्चे हैं सब, काफ़ी अच्छा करते हैं और ध्यान लगा के करते हैं। अगर उनसे कुछ भी थोड़ी बहुत गलती होती तो मैं उससे सुधार देती हूँ, लेकिन उनको भी एक मौका ज़रूर देती है उनको हेयर कट वगैरह करने के लिए। हाँ प्रीति जी, हाय, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, आप कैसे हो? अभी ये नाम क्या है बेटा आपका? नैन्सी, आपका लुक ही चेंज हो गया। अभी ये नैन्सी का फाइनल लुक हुआ है, ये नैन्सी का फाइनल लुक हुआ है, आप देख सकते हो। अगर इसमें थोड़ी कुछ ज़्यादा गलतियाँ होती हैं तो प्लीज़ सॉरी, आगे हम हमारी गलती सुधार देंगे, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे बेस्ट कर सके, वही हम ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हमारे सही में आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और एक मोटिवेशन मिलेगा हमें, मोटिवेट होंगे हम कि चलो कुछ अच्छा करें, हम कुछ आगे कर सकते हैं। इधर देखो बेटा, एक स्माइल तो बनती है ना, पसंद आपको पसंद आया? हाँ। शॉर्ट हो गया? नहीं नहीं, इतना ठीक है। चलो हमारे कस्टमर को, हमारे क्लाइंट को तो हमारा हेयर कट पसंद आया है, अभी देखते हैं व्यूवर्स को, कितने व्यूवर्स को हमारा हेयर कट पसंद आता है। ये फाइनल लुक हुआ है, अच्छा किया है हमारे स्टाफ ने। तो प्लीज़ ये हेयर कट पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।